हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं मस्त रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए, बट इसलिए मैं थोड़ा आज जल्दी उठी हूँ क्योंकि मुझे एक मज़ेदार सी सब्जी बनानी है फॉर टिफिन, और ऑल्सो कि घर पे मासी को फिर लंच नहीं बनाना पड़े, तो उस हिसाब से ही मैं पूरा प्रॉपर सब्जी बना रही हूँ क्वांटिटी में। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ। इट्स अ मिक्स वेजिटेबल। अभी इसको क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मैंने खुद ने ही इन्वेंट किया है, तो मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ। तो आप इसको मसालेदार मिक्स वेजिटेबल सब्जी बोल सकते हैं, या फिर मैंने ऐसे ही सोचा, आजकल कुछ स्टार्टर्स आते हैं वेज 65, पनीर 65, तो इसको हम दे सकते हैं मिक्स वेजिटेबल 65। तो चलो देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे बनेगी ये सब्जी। लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को पतला पतला कट कर रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरह मैं कट करना है। और वैसे ही हम गाजर को भी कट कर लेंगे, फिर हम हरे मटर को उबालने रख देंगे क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। और साथ में फ्रेंच बीन और गाजर को भी मैंने ऐसे ही कट करके उसको भी उबालने रख दिया हरे मटर के साथ, और यहाँ पे उबल चुका है। फिर प्याज को इस तरह मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं। तो अभी हमें सबसे पहले बनाएंगे ग्रेवी। उसके लिए चाहिए सूखी लाल मिर्च, जावेत्री, दालचीनी, तेजपत्ता, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, हींग, काली मिर्च, और ये है धनिया के डंडल। तो ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, और ऑयल गरम होते ही हम उसमें डालेंगे जीरा, हींग, दालचीनी, तेजपत्ता। मेरी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। जावेत्री, और अभी इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से भून जाए। फिर उसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन, और उसको भी मिला लेंगे अच्छे से ताकि वो थोड़ा पक जाए। फिर उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च स्लिट की हुई, यानी कि बीच में से बस दो हिस्सा करके मैंने डाल दिया है। और फिर उसमें डालेंगे धनिया के पीछे के डंडल, इसमें बहुत फ्लेवर होता है। और फिर उसमें ऐड करेंगे कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, बादाम, पूरा अखा ही डाल रही हूँ मैं बादाम, क्योंकि इंस्टेंट है तो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं उबालने रखूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप बादाम को उबाल के उसका स्किन निकाल के पेस्ट अलग से बना सकते हो, बट मैं आज इस तरह बना रही हूँ इंस्टेंट में। और फिर उसी में हम ऐड करेंगे प्याज, और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। लंबा अगर ये कट होगा तो ये अपने आप पतले पतले हो जाएंगे और ये जल्दी कुक हो जाते हैं। तो अब इसको अच्छे से तड़के के साथ मिला लेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को हम सॉफ्ट होने देंगे। तो यहाँ पे आप देखते हो कि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया। अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे ही रफली चॉप किया टमाटर को, क्योंकि टमाटर भी अभी जल्दी कुक हो जाता है, वो पानी छोड़ता है, तो इसी वजह से मैंने ऐसे रखे। और इसका ग्रेवी करना है तो फाइनली चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो इस तरह मिक्स कर लिए है, और यहाँ पे अभी ऐड करेंगे पानी ताकि हमारा ग्रेवी का कंसिस्टेंसी अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसमें डालेंगे नमक। ये नमक मैं ग्रेवी के हिसाब से डाल रही हूँ, सब्जी के हिसाब से नहीं। हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, मेरी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ, आप थोड़ा कम ज़्यादा देख लेना। हरी मिर्च डालिए, इसके लिए लाल मिर्च भी उतनी सी डाल रही हूँ, और ये तीखी वाली नहीं है तो चलेगा। अगर आप तीखी वाली डाल रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के डालना, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऑलरेडी डाली है पहले। अभी सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस ग्रेवी में, और फिर उसको ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैंने ढक लिया था ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के लिए, और देखो कितना अच्छे से कुक हो चुका है। और हाँ, जब मैंने बादाम ऐड किया था तो उसमें थोड़े शेंगदाने भी मैंने डाले थे, यानी कि ग्राउंड नट, तो उसका भी अच्छा टेक्सचर आता है। अभी ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे ग्रेवी में, यानी कि पेस्ट के फॉर्म में। तो देखो अच्छे से पेस्ट रेडी हो चुकी है। अभी हम सब्जी बनाते हैं फाइनल। उसके लिए हमें ग्रेवी चाहिए, घी, नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, हींग, वेजिटेबल जो है शिमला मिर्च और पत्ता गोभी।
और ये बॉइल्ड वेजिटेबल। तो सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, अभी उसमें डालेंगे घी। जी हाँ, ये सब सब्जी में थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहता है, बट अगर आपका सब रेडी है तो फटाफट बन जाता है। और घी के साथ थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करूँगी मैं, ये अच्छे से गर्म हो जाए। फिर बस उसमें डालना है हींग, और कोई तड़का नहीं डालना है। फिर उसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। आप ये स्टेज पे चाहिए तो, अगर आपको प्याज के शौकीन हो तो आप ऐसे ही लंबे लंबे प्याज भी डाल सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने ग्रेवी में डाला था तो मैं इसमें नहीं डालती हूँ यूजुअली, बट जिनको पसंद है आप डेफिनेटली वापस थोड़े प्याज डाल सकते हो। अभी इसको सौते करेंगे, और ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। फिर इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, जो उसको मैंने ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ स्लाइजर ऐसे ही स्लाइस कर दिया है, तो उसको भी डाल देंगे। और पत्ता गोभी को टाइम नहीं लगता है, तो इसको भी मीडियम फ्लेम में, मीडियम टू हाई फ्लेम में ही कुक करना है, ज़्यादा स्लो फ्लेम में मत करना, क्योंकि हमें थोड़ा क्रंच मतलब क्रंच होना चाहिए सब्जी का, उस हिसाब से कुक करना है। तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हमारे बॉइल्ड वेजिटेबल्स जो है हरे मटर, फ्रेंच बीन और कैरेट। तो ये सभी को अभी मिक्स कर लेंगे पत्ता गोभी के साथ और कैप्सिकम के साथ। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस अभी सब्जी के हिसाब से थोड़ा मसाला करेंगे, तो ज़्यादा नहीं करना है। धनिया जीरा पाउडर, नमक सब्जी के जितना, ताकि कम ना लगे, क्योंकि सब्जियों में नमक नहीं डाला था। और फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, थोड़ा फ्लेम हाई रखना। और फिर इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, और फिर डाल देंगे हमारी पेस्ट, यानी कि जो हमारी मेन बेस ग्रेवी है वो हम ऐड कर देंगे इसमें। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा लाल मिर्च मत डालना, क्योंकि इसका जो कलर है ये ऐसे ही मस्त लग रहा है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। तो लाल मिर्च डाल के रेड कलर से वो लुक जाएगा, वो फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो अभी इसको बस अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ग्रेवी और सब्जियों को। और थोड़ा सा जो मिक्सचर में मैंने पीसा था उसमें बस पानी डाल के वापस ये ऐड कर दिया उसमें, ताकि वो वेस्ट ना हो और ये मेरा कंसिस्टेंसी भी अच्छे से सेट हो जाए, ताकि ज़्यादा थिक ना हो। बस अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी हाथ से ही, क्योंकि इसका फ्लेवर तो आपको पता ही है पंजाबी सब्जियों में क्या आता है, इनफैक्ट सभी में ये एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर देता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, वो है हमारा धनिया। और इसी के साथ रेडी है हमारी सब्जी। इसी के साथ मेरी मसालेदार मिक्स वेजिटेबल 65 जो मैंने नाम दिया है वो रेडी है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। इसमें मैंने क्रीम ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया है, उसके बिना ही एकदम मस्त बन गई है। तो आप भी अगर इसे खाना चाहते हो तो इसके लिए आप फटाफट ये रेसिपी फॉलो करो, सभी को शेयर करो, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो इसी के साथ मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए, आपके पेरेंट्स का ध्यान रखिए, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय गाइस।